लोकसभा चुनाव के अवसर पर सारण के मतदाता का मिजाज जानने के लिए हम आ पहुंचे मढ़ौरा के पास स्थित धेनुकी गांव में। यह गांव मढ़ौरा औद्योगिक केंद्र के पास स्थित है और नगर परिषद के का एक हिस्सा ही है, एक भाग ही है। इस अवसर पर हम आकलन कर सके कि हमारे सामने जो विकल्प हैं सत्ता विपक्ष के रूप में, वो कौन बेहतर है, कौन अच्छे हैं, और लोकतंत्र में जो मतदाता होते हैं, मतदाता का विचार प्रमुख होता है। आइए जानते हैं, हम एक एक करके सबसे प्रश्न करेंगे, जानते हैं इनसे बात करते हैं। आप वोट देंगे? यस। वोट नहीं भी दे सकते हैं? नहीं भी, नोटा भी दे सकता हूं। नोट नहीं, आप जो भी देना है। तो वोट देने के पहले आप क्या विचार कर रहे हैं? 5 साल पहले बहुत वादे किए गए थे, उसमें से कुछ भी थोड़ा पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इसमें काम हुआ है। चोर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें काम हुआ है। हमारी इस हमारे देश के अंदर में काम हुआ है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है हमारा। Yes. लेकिन एक मतदाता के तौर पर आपका विचार क्या है? रोजगार मिलना चाहिए? रोजगार की बहुत कमी है। कमी है, बहुत। विकास के और मामले, बिजली, सड़क, विकास डेवलपमेंट भी हुआ है इसमें? हुआ है। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडिफिकेशन, सड़क निर्माण, बिजली का बढ़ावा, पानी का बढ़ावा, और चिकित्सा का बेहतर इंतजाम, ये सारे व्यवस्थाएं बढ़ी है। मतदाता के तौर पर विचार सर, हम सबसे ज़्यादा तो हम लोग पुलवामा हमला के सबसे ज़्यादा उसको ध्यान रखे हैं, और हमारी विकास है सिंचाई विभाग में, घर घर नल जल चल रहा है अभी, इसकी भी शौचालय निर्माण चल रहा है मोदी जी का, और सर ये सड़क निर्माण है, सबसे अपेक्षा है सर बिजली। हम लोग के गाँव में आज 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे बिजली रहती है। 24 घंटे में 23 घंटे? जी जी जी, 23 घंटे बिजली रहती है, और उनसे बहुत अपेक्षा है हम लोग भी सर। अपेक्षा है? जी जी, अपेक्षा है जी। तो इसी को देख करके आप अपना मतदान करेंगे? तो वोट देने के पहले आप कुछ विचार करेंगे या आप सही वोट देते हैं? वोट देती है कि नहीं देती है? देते हैं, 24 साल से देते आ रहे हैं। 24 साल से दे रहे हैं जी। बाबा, तो वोट देने के पहले कुछ विचार करेंगे या कोई कह देगा, लालच दे देगा, उस पर दे देंगे आप? नहीं, विचार करेंगे। विचार क्या करना है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो तो साक्षात है। क्या साक्षात है? जैसे मान लीजिए जो विकास करेगा, देश के लिए काम करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। विकास तो अभी नहीं है, नरेंद्र मोदी करके चले गए, कुछ किए क्या? अब मान लीजिए जो आर कोई कहेगा कि वो नहीं किए, उसे उन दूसरों को कहने से थोड़े होगा, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वो नल हर घर में बिजली वाला काम किए, स्वच्छ भारत के लिए हर घर में एथी वाला बनाए, पैसा दिए 12,000 रुपया लैट्रिन के लिए, उज्ज्वला योजना उन्हीं का देन है। मान लीजिए ये लोग वृद्धा लोग हैं, उन लोग को पेंशन मिल रहा है, वो राशन वाला काम जो हर घर में राशन मिल रहा है APL BPL पर हर महीने मिल रहा है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, केंद्र नहीं देगा तो मान लीजिए राज्य कहाँ से देगा? जी करिए रहे हैं, कहने से क्या होता है, आरोप तो एक घर में भी लगता है। माँ अपने बेटे को लगाती है, अब मान लीजिए हम ही है तो अपने बेटे को कहते हैं, भाई को लगाते हैं, उन लोग तो दोनों विपक्ष है तो लगाएंगे ही। राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी कहने से क्या होता है? राहुल गांधी कहने से पूरा देश मान जाएगा, कहे मानेगा? आप नहीं मान रही है? नहीं, हम कहे मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट देने के पहले कुछ विचार करेंगे, आकलन करेंगे कि आपको मालिक है ना, मतदाता मालिक है। तो हम विचार करेंगे कि इस पर देना है नहीं देना है, उस अपना अपना वोट है, अपना अधिकार है, अपना अधिकार है। वो 5 साल पहले जो लोग आए थे वादा करके, कुछ किए भी ऐसे ही है? सब कह के जाते हैं, थोड़ा मोड़ा करते हैं, कोई बाकी रह जाता है तो बाकी रह जाता है। नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं चौकीदार चोर है राहुल? नहीं, सब कोई वैसी बोलता है, चोर कोई नहीं होता है। अच्छा, कोई नहीं होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ किए क्या, उनकी सरकार ने किया आपके लिए कुछ? हाँ, किए हैं। लेकिन वोट देने के पहले कुछ विचार करिएगा, किसको कैसे दें, कौन किसने काम किया, क्या नहीं किया। आगे जो कोयले पर देखो ले, वही आदमी क्यों नहीं आई? काहे पानी के टोटी चले लागल, गैस मिल गल, घर घर बिजली पा, तो लेट्रिन के पैसा मिलता मिली, तो वही आदमी के ना दिया है, तो केकरा के दिया? छोरी जे कहता से न कहता, हम थोड़े कह सर, तो
तो 5 साल पहले नरेंद्र मोदी आए रहन कहन कि हम कुछ कुछ कर अब कुछ कर लन गरीबन खातिर। हां उ तो कहत सुन मराई आ टाटी एकदम बराबर क के सब लोग के छत पिटा दे। हां कहत हां लालू जी कहत आ उ लालू का करिया उ भेरा चरई हां उ ने दिया एक पैसा नरेंद्र मोदी हां हां फोटो देले बार उनके में वोट दिया आई गरीब दुखिया के सब के उ देखता ये देखता। अरे भाई मोटी का दुना मोदी सरकार मोदी उनके में वोट दिया। हाँ कोई मूरी पटक के रह जाई अब कोई मैंने उनके में दिया गरीब दुखिया के सब ना बॉयस के फारन भर ले हई हाँ वही ने के मिला बाकी उनके में दिया नरेंद्र मोदी दिया कुछ अच्छा बा। हाँ का है हमरा तो दांत नहीं के रोटी नहीं के टूटा तो बिस्कुट खाए ला पैसा दे था रन हाँ तो खा था चोर बारो अपन जेब से पैसा के लुटावत आगे हम दी चोर कहा आकि लूट के ले आई तवन चोर कहा जो विकास कर रहे हैं उसको वोट दिया जाएगा नहीं मोदी सरकार 5 साल में बहुत विकास किए हैं जो वादा किए हैं उस पर खरा उतरे हैं जैसे कि आवास योजना शौचालय गैस बिजली 24 घंटा जो है हम लोग का 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध है रोड हर घर में जल नल प्रधानमंत्री आवास योजना ये धरातल पर दिखाई दे रहा है यही सब विकास है। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव होने नहीं देंगे संकट में नहीं विरोधी लोग तो कुछ बोल देते हैं हम यही सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ताकि विजयी बनाएंगे। तो 5 साल बाद अवसर मिला है जो वादे किए थे पूरे नहीं किए किसानों के लिए कुछ किए या नहीं किए आपका एक मतदाता के तौर पर क्या विचार है? काम तो करवे किए नरेंद्र मोदी साहब जो स्ट्रक्चर का काम हुआ रोड का काम हुआ आपका छपरा से लेकर सिवान तक ले जो रास्ता था जो परिस्थिति था गड्ढा था और यहाँ छपरा से लेकर मढ़ौरा का जो रास्ता था जितना डैमेज था उसमें जाने में 4-4 घंटा टाइम लगता था छपरा जाने में किसी आदमी को तबीयत खराब होता था। अभी के समय में आप 20 मिनट में 25 मिनट में छपरा चले जाइएगा सिवान जाने में दिन भर समय लगता था और सिवान वाला रोड में आज 1 घंटे में आप सिवान चले जाइएगा 65 किलोमीटर का दूरी है सिवान और यहाँ 1 घंटे में चले जाइएगा पहले 3 घंटा से 4 घंटा तक समय लगता था जाने के बाद वहाँ से आने का हिम्मत नहीं करता था मोटरसाइकिल से जाने पर आज आदमी 1 घंटा से समय में चला आता है। आपका ये जो है काम किए हैं गरीबों के लिए जो उजाला गैस योजना है घर घर पहुँचाए हैं उसके बाद स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाए हैं 5 लाख रुपये का आयुष्मान भारत जिसमें सारा बीपीएल परिवार जो है उन लोगों का बीपीएल परिवार वालों का 5 लाख तक लेगा कोई भी बीमा का जो आपका जो तबीयत खराब हो जाए कोई भारी बीमारी हो गया उस बीमारी में वो लोग अपना इलाज कराएंगे हम लोग अपना और सारा बहुत सारा काम किए हैं बिजली का जो काम किए हैं बिजली का जो पहले बिजली खुला चलता था कहीं टूट के आग लग जाता था अब वो कवर वाला हो गया है देखिए सामने पड़ा हुआ है कवर वाला हो गया बिजली नया हो गया सब दुरुस्त। जी हम चाहेंगे कि फिर से एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। क्यों बने प्रधानमंत्री? क्योंकि उन्होंने बहुत विकास के काम किए हैं और कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि किसानों के लिए हम बहुत ज़्यादा करेंगे 72,000 रुपये देंगे गरीबों को वो तो कह रहे हैं ऐसे लेकिन मोदी जी तो फिलहाल अभी दे रहे हैं किसान को। और क्या कारण है मोदी के पक्ष में आपका इतना लगाव होना? मोदी जी बहुत विकास के काम किए शौचालय का घर घर शौचालय दिए उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिए और ये बिजली सारी जगह दोहरा दिए। रोजगार तो नहीं दिए? रोजगार अभी नहीं दिए लेकिन देंगे अगले चुनाव के बाद जीतने के बाद वो रोजगार। किसानों के लिए तो कुछ नहीं किए? किसान के लिए करेंगे उनको एक बार और मौका दिया जाए। अच्छा तो मोदी जी तो वादा किए तो पूरा किए नहीं बहुत वादा करके चले गए तो वादा किए हैं तो हमको हमारा दक्ष कहीं रोड बनिया
एक घंटा के काम आधा घंटा में चल जाएंगे। रोड बढ़िया बन गई तो रोड बढ़िया हो गया तो हो गई सही बात भाई। यहाँ दो घंटा लगत लगे तो आधा घंटा में पहुँचा तनी पहुँचा तो लोग बाहर सुतत लगता आज घर में सुतत अटे बिजली रहता हर घड़ी तो बिजली हर घड़ी रहता घर में आराम से पंखा चला के सुतत अटे हैं तो ये से क्या बढ़िया चाहिए रोजगार अपना कोई बिजनेस हमारा तो हमारे बिजनेस हम छोटी छोटी बिजनेस कर अपन कमाई लिखाई ले जनधन योजना में खाता खुला आपका खाता खुला ना खाता कहाँ खुला कहीं नहीं खुला तब तो गड़बड़ होगी आपके ना खाता नहीं खुला नहीं नहीं खुला राहुल गांधी खाता खुलवाएंगे राहुल गांधी का इस समय मोदी जी चोर है ना ना हम खाता नहीं खाता हम अपन कमाएंगे राहुल गांधी कहते मोदी चोर है तो चोर है तो कहने दीजिए लोग चोर हम लोग यही कहते हैं चोर है एक आदमी करने से चोर नहीं हो जाएंगे हैं एक आदमी कहेगा कि चोर है तो चोर हो गया चोर हो जाएंगे तो हम तो उनका भी वोट नहीं देंगे उनको भी वोट नहीं देंगे लेकिन फिलहाल नहीं लग रहा है ना हम अभी तो अथिए नहीं खेल हमने अथिए नहीं खेल सबूत नहीं कि चोर बना वोट देने के पहले कुछ विचार करेंगे ऐसे ही वोट देंगे नहीं विचार करेंगे क्या विचार करेंगे विचार यही है हम लोग का जो मोदी जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा यही कर रहे हैं कि मतलब रोड रोड बन गया शिक्षा में सुधार हुआ है रोड में सुधार हुआ है आपका उज्ज्वल योजना का भी अथी किया है शौचालय का भी किए हैं बहुत सारा काम किया है बहुत सारा बाकी है अभी रोजगार में कमी है अभी रोजगार भी मौका देंगे इसलिए कि कांग्रेस तो इतना दिन से 55 साल से उसको हम लोग मौका दिए 55 साल में कुछ नहीं किया जो 5 साल में करके उन्होंने दिखाया इसलिए हम लोग 5 साल और मौका देंगे तुलना कर रहे हैं 55 साल 5 साल और अपने अनुसार सबका अपना मत है अपना विचार है व्यक्त करेगा बहुत बहुत धन्यवाद।